बताओ, इतना ज्यादा ठंड है कि वो जो कार है वो हिल रहा था, उसको भी इतना ज्यादा ठंड लग रहा है। देखो आप, और यहाँ पे ठंड देखिए, पेड़ छोड़कर जो है पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर दिए, इसी में बनाएंगे एक्सपोज वीडियो। अमेज़न जो है मुझे कचरा भेज दिया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है 21 जनवरी और आज जो है मुझे बहुत सारे काम है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग को शूट कर लिया जाए, क्योंकि ब्लॉग डालना भी काफी ज्यादा दिन हो गया। मैंने अमेज़न से एक स्टैंड मंगाया है माइक के लिए। कौन से माइक के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, मेरे वीडियो में आप देखते होंगे कि मेरे पास ये कंसीडर माइक है, तो इस माइक के लिए मेरे पास स्टैंड नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि ये टेबल में माउंट मुझे करना पड़ता था। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसके लिए एक स्टैंड ले लिया जाए, तो मैंने स्टैंड ले लिया। और मेरे लुक को देखकर भाई डरिएगा मत, क्योंकि ठंड यहाँ पे काफी ज्यादा, इसलिए मैंने काफी ज्यादा कपड़े पहने हैं। और 2 महीने पहले सर्जरी करवाया था, तो थोड़ा तबीयत बिगड़ गया था, तो डॉक्टर ने बोला कि काफी ज्यादा कपड़े पहनने के लिए। और उसके पीछे रीजन ये भी है कि कपड़े पहनने के पीछे कि भाई ठंड आज जो है काफी ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि आज मॉर्निंग राइड पे निकला जाए, क्योंकि ठंड में अगर बाइक राइड करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। पर मैं आपको बैक का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको कैमरा से, तो देख सकते हो बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि आज जो है काफी ज्यादा ठंड है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, फिर भी ठंड है तो मैं निकलूंगा ही, लेकिन मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि भाई कितना ज्यादा हेवी जो है ठंड है। तो पीछे आप देख सकते हो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे ठंड है, कुछ जो है दिख ही नहीं रहा है। और मैं सोचा था कि 6 बजे या 7 बजे जो है मैं निकल जाऊंगा राइड पर हुआ नहीं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा था। और मैंने अभी फेस वॉश भी नहीं किया, फेस बहुत गंदा दिख रहा है। मैं बंद करता हूँ, बैक कैमरा ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना ज्यादा ठंड है, और ठंड जो है काफी ज्यादा है। ये तो थोड़ा सा अभी क्लीन हुआ है, ऊपर थोड़ा सा धूप भी निकला है, और अभी सुबह के 9:30 के आसपास हो रहा है। तो मैं सोचा था कि 6 बजे 7 बजे निकल जाऊंगा राइड पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस टाइम जो कुछ दिख ही नहीं रहा था, और रिक्स लेकर जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। और ऐसे भी बाइक पर जाता हूँ तो थोड़ा ज्यादा ही ठंड लगता है, क्योंकि 70-80 के स्पीड में हवा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा ठंड है, फिर भी मैं बाइक राइड पर निकल रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे मासी के यहाँ जाना है, और वहाँ से कुछ सामान जो है लाना है, तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, और फिर मिलते हैं रास्ते में। तो मेरे साथ जो है राइडिंग में ज्वाइन कर रहा है अमित। अगर आपको पता नहीं है तो किसी न किसी मेरे ब्लॉग में उसको देखे होंगे, वैसे मैं आपको उसको जो है मिला दूंगा। तो वो मेरे घर के पास में ही है, तो मैं अकेले तो जाता नहीं, तो उसको ले लिया हूं, और उसको लेकर जो है डायरेक्ट मासी के यहां पे जाऊंगा। और मासी के यहां पे जाने के बाद जो वहां पे जो मेरे सामान है कुछ है, वो वहां से मैं लेकर आऊंगा। और उसके बाद मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि मैंने एक ट्राइपॉड परचेस किया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला। तो ये रहा, आ चुका है ये, और नीचे गिम्बल भी आ चुका है, जो कि मैंने 25,000 में रोनिन SC लिया है DJI का। तो वो सब भी अनबॉक्सिंग करना है, पर गिम्बल का उसका सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्राइपॉड जो है वो कैसा है और वो कैसे लगता है। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बस वीडियो पे बने रहिए। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं बाइक राइड पे, और ये रहा हमारा बाइक, और ये है अमित सिंघानिया जी। हाय बोल रहे, हाय। ये है अमित सिंघानिया जी, और यहाँ पे ठंड देखिए, पेड़ छोड़कर जो है पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। और ये हम अभी संगम घाट पे, अगर आप मुजफ्फरपुर के होंगे तो पता होगा संगम घाट कहाँ पे है। और ये रहा संगम घाट पुल, और देखिए थोड़ी देर पहले जो है ये कार डांसिंग कार था, हिल रहा था, इसको भी बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। अब पता नहीं ठंड लग रहा है कि अंदर किसी और को ठंड लग रहा है, वो गर्म हो रहा है। समझ रहे हो आप? क्या रहे? बात सही है, बिल्कुल राइट है, कोई ठीक नहीं हो सकता है, अंदर कोई गर्म भी हो सकता है। हाँ। लेकिन हम लोग को ठंड है, हिल रहा था, लग रही है। बताओ, इतना ज्यादा ठंड है कि वो जो कार है वो हिल रहा था, उसको भी इतना ज्यादा ठंड लग रहा है। देखो आप, नंबर नहीं दिखाऊंगा, क्या पता घर के आसपास का निकल जाए। तो यहाँ पे ठंड देखिए कितना ज्यादा है, और ये देखिए हम कितना ज्यादा जो है कपड़ा पहने हुए हैं। एक थम, ये लेदर का जैकेट, अंदर जो है हुडी पहने हुए हैं। फेस दिखाएंगे नहीं, कहेंगे फेस और साफ नहीं किया। और ये है अमित जी, और ये है हमारा बाइक, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं आगे। और ठंड काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए जो है मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाया। देख सकते हो कैमरा लेकर आए हुए हैं, पर हुआ है क्या कि कैमरा चार्ज भी नहीं है, और जब कैमरा चल रहा है तो उसका फॉग इतना आ जा रहा है कि उस फॉग की वजह से जो है मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, और वीडियो पे बने रहिए। आगे हैं मासी के घर पे, धीरे धीरे बोल रहे हैं। ये है अमित सिंघानिया जी, और हम पी रहे हैं चाय। तुम्हारा चाय क्या हुआ रे? मेरा चाय देखो पीकर रख दिया, 2 मिनट में चाय पी लेता है।
मासी के यहाँ से आ गए हुए हैं और ये रहा हमारे साथ अमित। इसको लेते आए हैं घर पे क्योंकि जो है अकेले जो है अनबॉक्सिंग तो वो बॉक्स होगा नहीं, और होगा भी तो कैमरा पे सेट करके करना होगा तो कुछ खास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सुन रहा था वहाँ पे गाना, दिख रहा है इसमें आराम से वहाँ म्यूजिक सुन रहे थे, तो वहाँ पे गाना सुन रहे थे। और ये रहा बैक में आपको दिखाएंगे जब ये लेंगे तो इसको पकड़ो तो भाई ऐसे फ्रंटी कैमरा से दिखा दो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बॉक्स है, हम आपको दिखाते हैं और इसी बॉक्स को जो है करना है अनबॉक्सिंग। मैंने सोचा कि यार बॉक्स बहुत बड़ा है तो इसको जो है ऐसे तो होगा नहीं कहीं पे, तो एक काम करो इसको बंद कर दो और बैक से स्टार्ट करो। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बॉक्स है और इसमें स्टैंड है। कौन सा स्टैंड है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा भाई दिखाना। तो ये जो भी ये माइक देख रहे हैं ये कंसीडर माइक, तो इसको क्या ना पहले हम सोचे थे कि इस टेबल में लगाने का, लेकिन जब अगर इसमें लगा देंगे तो ये सेटअप अच्छा नहीं दिखेगा और माइक जो है टर्न भी नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं कि इसी में यूज करते हैं, छोटा सा स्टूल है इसमें ऐड कर दिए हुए, जोड़ दिए हुए हैं। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि जब हम इसको आगे ले जाकर पीसी से रिकॉर्ड करना चाहते हैं ऑडियो, ये बार बार जो है पीसी में टकरा जाता है जिसकी वजह से कोई सामान टूटने फूटने का डर रहेगा। और ये स्टूल में ऐसे लगाकर यूज करूंगा तो ये अच्छा लगेगा नहीं, तो इसी के लिए जो है ना ये वाला हम स्टैंड ले लिए। नीचे दिखाना भाई, ये वाला स्टैंड ले लिए हैं। तो वैसे ये स्टैंड जो है काफी बड़ा है और मुझे एक्चुअली में अभी मालूम नहीं है कि ये स्टैंड इसके लिए फिट होगा कि नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले करते हैं ओपन। तो ये रहा चाकू, स्टाइलिश है इसीलिए दिखाए, नॉर्मल आता दिखाते भी नहीं। इसको हम यहाँ से करते हैं ओपन। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर दिए और ये निकला स्टैंड। ये भाई ये स्टैंड नहीं है, कचरा है। इसी में बनाएंगे एक्सपोज वीडियो। अमेज़न जो है मुझे कचरा भेज दिया, कहीं सही में ना कचरा निकल जाए अंदर निकला। इसके बाद एक और डब्बा निकला और ये देखो इतना छोटा सा डब्बा और इतना बड़ा बॉक्स, कोई बात नहीं सोन पापड़ी खाएगा इसको बेचकर। और यहाँ पे है पावर पार्क का ही एक ब्रांडेड कंपनी है पावर पार्क। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम होगा तो आप क्या करना कि आप यूट्यूब कर लेना, यूट्यूब पे आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। तो ये पावर पार्क जो एक ब्रांडेड ट्राइपॉड कंपनी है, जैसे डिजिटेक का नाम आपने सुना होगा सिम वैसा ही ये भी। यहाँ पर आपको थोड़े डिटेल दिखा देते हैं भाई, जूम करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये माउंट आपको मिलता है, उसके बाद एक ये माउंट मिलता है, एक ये मिलता है, इससे आप जो है ऊपर नीचे कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको जो है ऊपर नीचे करने वाला मिलता है और ये जो है नीचे का स्टैंड मिल जाता है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है और इसका जो है मेन अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, अनबॉक्सिंग वाले चैनल पे, जिसका नाम है आदि अनबॉक्स। ये यहाँ से किए ओपन। वैसे ये काफ़ी हार्ड है, इसके साथ माउंट भी मिला और बाकी हाँ एक और कुछ गिरा और कुछ नहीं है। इसके साथ मुझे बिल नहीं मिला है जैसे फ्लिपकार्ट में मिलता है, तो हो सकता है कि डाउनलोड करना होगा। बिल नहीं ना निकला अभी तक, नीचे गिरा हुआ है। अच्छा बिल नीचे गिरा हुआ है, ये देखिए नीचे गिरा हुआ है, बिल मिला है। वही हम सोच रहे कि यार बिल मिला नहीं है, तो बिल जो है नीचे गिरा हुआ था। 749 रुपया स्टैंड का दाम पड़ा है, ऑफर में लिए हैं ऐसे 801 रुपये रहता है, 801 रुपीज। तो ये माउंट है, मैं आपको पहले माउंट ओपन करके दिखाता हूँ। ये क्लिप वाला माउंट है, ठीक है। तो इसको मेरा अभी कोई काम नहीं है पर साइड कर देता हूँ। और एक आप माइक देखते होंगे गाना गाने वाला, वो माइक इसमें लग जाता है, तो इसको भी कोई काम नहीं, इसको साइड करते हैं। यहाँ पर ये पैकेज को करते हैं वस्त्र हरण, इसको यहाँ से निकालते हैं। ये रहा स्टैंड, तो ये रहा स्टैंड। वैसे ये पहला वाला मतलब पहला टाइम जो है ऐसा स्टैंड मैं यूज कर रहा हूँ, इससे पहले मेरे घर में बहुत सारे स्टैंड है पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये माइक का है। और ये जो है ना इस स्टैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर पार्ट से जो है इसको ढीला कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूं, जैसे कि ये इसका लेग देख सकते हैं, तीन लेग है और बीच में जो आप देख रहे हैं वो सपोर्ट के लिए है। तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं और इसको जो है ऐसे यहाँ से ढीला कर सकते हैं, और ढीला करने के बाद आपको जितना निकालना है उतना निकाल लो आप, और उसके बाद यहाँ से इसे टाइट कर दो, ये ऐसे टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको इसको स्टूल को थोड़ा साइड करते हैं यहाँ पे। इसको अगर आप और ऊपर करना चाहें तो शायद ऊपर और होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहा हूँ। नहीं इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा, होना तो चाहिए। नहीं नहीं अब नहीं होगा, नीचे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं ये इतना ही रहेगा, कोई बात नहीं है भाई, इसमें ज्यादा यूज भी नहीं पड़ता है। और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, इसको यहाँ से ढीला कीजिए, इसको यहाँ से ढीला कीजिए और इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपको माइक लगाना होगा, इसको थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, ये ऊपर नहीं जाएगा, देख लिया जाए,
रिप्लेसमेंट का टाइम है, कुछ गलत गलत होगा तो रिटर्न हो जाएगा। वैसे इसका अगर हम पढ़ लेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, पता चल जाएगा कि इसका हाइट कितना है उस हिसाब से। हाइट तो इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, लिखा होना चाहिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको खुद एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, बाद में यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे। जिसका अगर इसका परफेक्ट वीडियो देखना होगा तो इसके बारे में जब समझ लूंगा तो एक और वीडियो बना दूंगा। अब इसमें माइक लगाना है, तो देखिए माइक कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये तो पता चलता है कि ये फ्रंट पार्ट है, और इसमें मुझे लगाना है ये वाला माइक। तो ये वाला माइक, इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, खोल देता हूँ। यहाँ पे ये जो एक खुल गया, अब इसको लगाना है। अब हमको समझ नहीं आ रहा ये लगेगा कैसे, कहीं से तो कुछ खुलेगा, मुझे लगता है इधर से ये खुलेगा और शायद माइक इधर से लगेगा। इसमें भी क्लिप है, इसमें भी क्लिप है, क्लिप है। सही है क्या? तो ये माइक जो है इधर नहीं लगेगा। अच्छा, ये दिया हुआ है क्योंकि अगर आप इधर से ज्यादा आगे करोगे ना, तो अगर मतलब कि अगर इधर माइक रखोगे और ये गिर जाएगा तो इसमें जो है आप कोई सामान लटका कर इसको नीचे कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। वैसे गिरता तो नहीं है, शायद उसी के लिए दिया हुआ है। इसको इधर करते हैं, और ये वाला जो है इसको इसमें जो है लगाकर आपको टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये माइक जो है लग गया, और इसको आप जैसे कर रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। तो इसमें मुझे दिक्कत एक ये लग रहा है कि ये माइक ऊपर जाएगा कैसे, मतलब ये ऐसे तो हो गया, इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं तो कुछ दिक्कत हो रहा है। ये माइक इसमें था ऊपर की तरफ, इसमें ये नहीं निकल सकता है। ऊपर वाला रिकॉर्डिंग करने के लिए वो है, और ये जो है ना, ये माइक जो है ये जो ऐसे हुआ है, तुमको अगर सीधा करना होगा तो सीधा नहीं होगा। अगर नहीं भी होगा तो एक काम कर सकते हैं, हमको जो है ऐसे तो रिकॉर्ड करना नहीं है, हमको तो करना है सीधा। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करके ना ऐसे कर देते हैं, हो जाएगा सीधा, हो जाएगा ठीक है। अब करो तो सीधा, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, माइक जो है हो गया, पर थोड़ा सा ढीला है तो इसको यहाँ पे कसने वाला है। तो इसको आप यहाँ से जो है टाइट कर सकते हैं, अब नहीं हिलेगा। ये पूरा हो गया फिक्स, ये ऐसे लग गया। अब क्या है कि बहुत आसानी से मैं वीडियो बना पाऊंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो कंसीडर माइक है, यहाँ पे माउनो का ब्रांडिंग है, और इसी के सामने से ये ऑडियो सिर्फ रिकॉर्ड करता है। अगर आप इधर से बोलिएगा तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ इधर ही का रिकॉर्ड करेगा। इसी की वजह से मेरा यूट्यूब का जो वीडियो आप देखते हैं उसमें मेरा ऑडियो क्वालिटी अच्छा रहता है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वही रिकॉर्ड करता है, पीछे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है। तो ये हो गया पूरा फिक्स। अब ये है ना, तो कहीं पर भी मैं रख दूंगा और आराम से रिकॉर्ड कर दूंगा। वो उसका झंझट, वो स्टूल को हटा दूंगा और ये स्टैंड को साफ करके साइड कर दूंगा। अभी क्या करना है कि ये जो पॉपअप फिल्टर है इसको लगा देते हैं। ये लगाने से फायदा ये होता है कि आपका मुंह का जो हवा होता है वो माइक का टच नहीं करता, सिर्फ आपका ऑडियो रिकॉर्ड करेगा। और इसके साथ जो वायर है यहाँ पे जिसके थ्रू जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके साथ जो ये है इसको भी अच्छे से लगा देते हैं। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि टूल जो है बहुत बेकार लगता था, जब कोई रूम में आता था तो बोलता था कि भाई कैसे लगाए वो, अच्छा नहीं लगता था। अब है जब बेटर है, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा। इसको जो है इसमें टाइट करना है, तो यहाँ पर जो है ये टाइट हो गया। और ये जो वायर है ना इसको आप जैसे, अच्छा वो वाला जो मैंने यहाँ पे बोला है, तो इसमें आप कोई सामान लटका सकते हो अगर इसको टेढ़ा करोगे तो। और ये जो क्लिप देख रहे हो ना इसमें वायर चला जाएगा मुझे लगता है, इसमें थोड़ा सा इसको ढीला कर दो, आप निकाल सकते हैं इसको। और इसको वायर ऐसे डाल दीजिए, और वायर डालने के बाद जो इसको आप आराम से टाइट कर सकते हैं, ताकि आपका वायर जो है टाइट हो जाएगा। इसमें लगाकर ऐसे करके जो है आप इसको डाल सकते हैं, तो आपका वायर इसमें फंस गया ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो वायर आप ढीला देख रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके इसको आप टाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, तो ये जो है काफी अच्छे से टाइट हो गया। और ऐसा अगर एक दो और आता तो और मजा आ जाता, और टाइट कर देता नीचे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं ये माइक मेरा जो है रेडी हो चुका है। और अगर इसको कहीं घुमाना होगा कि इधर भी साइड, तो इसको ऐसे ढीला करके और कहीं भी मैं घुमा पाऊंगा। और घुमाने की जरूरत यहाँ पर भी है तो ऐसे भी आप घुमा सकते हैं, और इसको जितना ऊपर करना चाहते हैं उतना ऊपर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं यूएसबी, इसको आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप कंप्यूटर में लगाइए और अपने ऑडासिटी किसी भी सॉफ्टवेयर से आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ा नहीं होगा, पर ये गलत है, ये अभी और बड़ा होगा। यहाँ पर यह क्लिप देख सकते हो, इसको जब आप ढीला करोगे तो ये जो है यहाँ से निकलता है। मैं शुरू में ये ढीला करने का कोशिश किया था लेकिन हमको समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने जबरदस्ती नहीं किया। इसको आप और ऊपर कर सकते हो, देख सकते हो ये कितना बड़ा हो गया, ऊपर दिखाना पूरा, देख सकते हो ये बहुत बड़ा हो गया। तो इसको जो है आप यहाँ से होल्ड कर सकते हो। तो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बड़ा वाला के लिए ले रहे हैं तो नहीं लीजिए, तो ये बड़ा वाले के लिए ही आप ले सकते हैं। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर होता है उनको आप देखते होंगे कि वो खड़ा होकर वीडियो बनाते हैं, उनका कलर में माइक या कुछ भी नहीं रहता है। वो क्या करते हैं कि ऐसा ही स्टैंड उनका रहता है,
और इसके जो ये कंसीडर माइक है ना, ये कंसीडर माइक नहीं रहता है, उसका माइक जो रहता है शॉटगन माइक रहता है जो सामने से लगा हुआ रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे टेढ़ा कर देते हैं और माइक को थोड़ा ढीला कर देते हैं और इसको साइड में करके ऊपर से कर देते हैं। मान लो कि यहाँ पर माइक है, हाँ इस यही मैंने आपको भी बताया, ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं इसीलिए बताया हूँ कि जब इसको थोड़ा आगे करेंगे तो कंसीडर माइक्रोफोन का जो ये साइज काफी बड़ा होता है, तो जब इसे आगे कीजिएगा या नीचे कीजिएगा तो ये जो है ना स्टैंड गिरने लगेगा, क्योंकि वहां पे हार्ड कुछ भारी नहीं है। तो इसी के लिए ये डंडा दिया होगा जिसको आप पीछे कीजिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर जो क्लिप है इस क्लिप में कोई भारी चीज जो है इसको लटका दीजिएगा तो ये ऐसे टाइट रहेगा, इसीलिए ये क्लिप दिया हुआ है। तो वही मैं बता रहा था कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का जो आप देखते हैं कि ऊपर से ऑडियो आता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि माइक को ऐसे सेट कर देते हैं, ऊपर रहता है माइक और फ्रेम जो है ना इतना ही तक लेते हैं, तो जो भी बोलते हैं ऊपर रिकॉर्ड होता है और लोगों को लगता है कि उनके पास कॉलर में माइक नहीं है। समझा रहे, ऐसा ही होता है। टेक बर्नर जो यूज करते हैं आप देखते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर है तो वो ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन माइक जो है दूसरा रहता है, शॉटगन माइक रहता है, 20,000-30,000 का आता है वो माइक रहता है, जिससे ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। तो स्टैंड जो है काफी अच्छा है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे जो यूज करना है, मुझे तो ऐसे यूज करना है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करके जो है अंदर कर देता हूं, क्योंकि मुझे जो टेबल पे भाई बैठकर जो है रिकॉर्ड करना है तो मेरे लिए ऐसे ही बेस्ट है। इसको यहां से कर देते हैं टाइट, इसको अगर फुल टाइट कर दीजिएगा ना हर जगह से तो थोड़ा भी नहीं हिलेगा। इसका मेरा वायर काफी ज्यादा बड़ा है तो नीचे जो है इसको माउंट कर दूंगा। अब मुझे एक दिक्कत थोड़ा सा ये लगेगा, मतलब होगा कि पहले जो मैं रिकॉर्ड करता था तो लैपटॉप इसी पर रख देता था स्टूल पे, पर अब इसमें लैपटॉप जो है अलग से मुझे रखना पड़ेगा, तो इसके लिए ये टेबल है, इस टेबल पर जो है मैं रखूंगा। तो ये स्टैंड काफी अच्छा है, हेवी क्वालिटी है, ब्रांडेड भी है, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसमें वायरिंग का भी ज्यादा झंझट नहीं है, उसमें जो है ये सब आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है, थोड़ा अजीब लगता है, बहुत ढीला है, और उसके बाद ये थोड़ा सा पुराना भी है तो लुक खराब करता है, और ये जो सिंपल लुक है तो काफी अच्छा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर भी आपको कंटिन्यू वीडियो जो है मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अमित भाई को धन्यवाद, इसको दिखाते हैं आपको फ्रंट कैमरा से। यहाँ पर जो है अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि यही वीडियो को जो है शूट किया है, और ऐसे जो है मतलब बहुत दिक्कत होता है वीडियो शूट करने में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ, अगर उनको भी लेना होगा स्टैंड तो ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।